जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरठ की धरती पर एक बार फिर रैंक वन पेंशन देने की बात की है और उन्होंने कहा है कि 5 साल में रिवीजन होता है, जिसको कि 1 जुलाई 2024 से देना है। उसमें अभी तक जो दिया गया है 1 लाख करोड़ रुपए सैनिकों और उनके परिवार फैमिली वीर नारियों को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भी कई बातें कही हैं, उनकी सभी बातें सुनाएंगे। उससे पहले बता दें, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर रिवीजन में लगभग 50,000 करोड़ का जो बजट है वो जाता है वो वन रैंक वन पेंशन में। और उन्होंने जो बातें आगे कही हैं उसके लिए भी मैं आपको दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, सुने। साथियों, हमारे देश में हमारी सेना को वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी पहले कितने वायदे किए गए थे। कभी देश में वन रैंक वन पेंशन लागू होगा ये हमारे सेना के जवानों ने आशा छोड़ दी थी, ये भी असंभव लगता था। लेकिन हमने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन लागू किया, बल्कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों को उनके हक का 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिया। साथियों, 3 तलाक के विरुद्ध एक सख्त कानून भी लोगों को असंभव लगता था, आज तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए अभी तक हमने दे दिया है और आगे भी हम सेना के पूर्व सैनिक जो हैं उनके लिए हम खड़े हैं। पहली की सरकारों ने वादा किया लेकिन उसको निभाया नहीं, हमारी सरकार आई तो वन रैंक वन पेंशन के वादे को पूरा किया। थैंक यू, जय हिंद।